अब सी पॉइंट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर इंगेज इन द कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। यानी ये इस तरह की इंडस्ट्री क्या करती है, किस तरह के कामों में इंगेज है, किस तरह काम करती है, ये करती है कन्वर्जन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको ट्रांसफर करती है, या फिर सेमी फिनिश मटेरियल यानी कि कुछ आधा फिनिश मटेरियल को पूरे फिनिश प्रोडक्ट में ले आती है। ठीक है, जनरली द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बिकम रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जनरली होता क्या कि जो प्रोडक्ट होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के वो ज्यादातर बनते हैं रॉ मटेरियल किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट करती है यूटिलिटी से प्रोडक्ट किसके, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के। जैसे इसमें एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट जैसे घर बनता है जानते होंगे सीमेंट वालू लगता है तो सीमेंट हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, इस तरह के कुछ एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डी पॉइंट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होते हैं आइए देखते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ये सारी इंडस्ट्री क्या होती है, इंगेज होती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, ब्रिजेस ब्रिज बनाना, डैम बनाना, रोड बनाना, कैनल्स बनाना, रेलवे लाइन बनाना, इस तरह के इंडस्ट्री को हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज कंज्यूम द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्री क्या होती है, किस तरह के प्रोडक्ट कंज्यूम करती है या इस्तेमाल करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। ठीक है, जैसे कि बालू वगैरह लगता है रोड बनाने में, जैसे कि देखिए ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के भी प्रोडक्ट यूज करती है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है क्वेरीज और वुड। प्रोडक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर इमूवेबल, यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वो इनमूवेबल होते हैं, यानी उसको हम लोग मूव नहीं कर सकते। जैसे कि रेलवे लाइन हो गई, उसको आप एक जगह से दूसरे जगह पे थोड़ी नहीं ले जा सकते हैं, एक बार जहाँ बन गया तो बन गया। इसी तरह जैसे रोड हो गया, रोड बन गया, बिल्डिंग बन गई, तो उसको मूव थोड़ी नहीं कर सकते हैं, जब मूव नहीं कर सकते आप। ठीक है, दे आर इरेक्टेड बिल्ड और फैब्रिकेटेड एट ए फिक्स साइट, यानी कि ये सब एक फिक्स साइट में बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी, किस तरह से नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेस पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। देखिए सबसे टॉप पे है इंडस्ट्री, उसके बाद सबसे पहले आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है माइनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, फिशिंग, क्वेरिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्री हो गया, इसमें एग्जांपल दिया है नर्सरी, फिश कल्चर हो गया, कैटल ब्रीडिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो उसके बाद आता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एग्जांपल दिया है आयरन और स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, वनस्पति हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका यही लैपटॉप, मोबाइल वोबाइल सब आता है। ठीक है, सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद आखिरी में दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है बिल्डिंग्स, रोड्स, कैनल्स, डैम्स। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा ये चारों चीज, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला हमारा टॉपिक है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है ये जानते हैं, हर लोगों ने ये जरूर सुना होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट इस तरह का, तो आइए देखते हैं वही होता क्या है। यू हैव लर्न दैट द बिजनेस एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इनटू, हम लोगों ने ये सीख लिया है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो क्लासिफाई होती है इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट, हम लोगों ने यह भी सीखा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो होती है आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है वो इससे कंसर्न करती है कि यह कितना प्रोडक्शन होता है, जो भी वांट है कितना हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स या सर्विसेज कुछ भी हो सकती है। अनलेस दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू दोज हु नीड देम, दे मे नॉट फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव अनलेस दीज एक्टिविटीज एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू दोज, यानी कि जब तक वो गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हु नीड देम, जिसको इसकी जरूरत है, दे मे नॉट फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव, जब तक वो उनको मतलब मिलेगा नहीं तब तक उनकी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकती, दैट इज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, देयरफॉर द गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री शुड बी मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट राइट प्लेस, इसलिए जो होता है जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रीज से उनको अवेलेबल करना चाहिए कंज्यूमर को उनके सही जगह पे। ठीक है, राइट टाइम, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में, मतलब कम नहीं होना चाहिए, और सही सबसे जरूरी है कि सही प्राइस और सही मैनर में। हियर कम्स द एक्टिविटी ऑफ कॉमर्स टू फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट, इसीलिए जो एक्टिविटी ऑफ कॉमर्स है ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। ऑल द एक्टिविटीज व्हिच एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर ऑफ गुड एंड कंज्यूमर ऑफ दोज गुड्स एंड
मेंटेन अ स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन देम कम अंडर कॉमर्स, यानी कि इसका मतलब क्या है वो समझिए। ऑल द एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी विच एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन, जो लिंक एस्टैब्लिश करती है इसके बीच में, जो प्रोड्यूस करता है जो खरीदता है ठीक है उस गुड्स को, कोई भी सामान को, एंड मेंटेन अ स्मूथ एंड या और मेंटेन करे एक स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स की, मतलब कि गुड्स में जितनी भी सामान की आवश्यकता है वो मेंटेन रहे बिटवीन देम मतलब दोनों के बीच में, किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, कम अंडर कॉमर्स, यानी ये सब कॉमर्स के अंदर आता है ठीक है।